हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से। वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट है, बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयर टेकर, सीनियर क्लर्क, उसके साथ ऑफिसर अटेंडेंट, जो भी बहुत सारे पोस्ट रहेंगे। हम लोग मेनली जो उन सभी पोस्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके लिए ज्यादा नंबर ऑफ सीट है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बिहार विधानसभा के अंदर जॉब करने के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि कंप्लीट डिटेल में मैं इसके बारे में सारा कुछ बताने वाली हूँ। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या सभी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, पोस्ट वाइज सारा कुछ बताऊंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या सब मैं इसमें आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि बिहार विधानसभा के अंदर सचिवालय का जो आपका है उसमें वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। पोस्ट डिटेल्स की अगर बात करें तो हम लोग जो चर्चा करेंगे वो तीन पोस्ट के ऊपर रहेगा। पहला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, जिसके लिए 50 सीट रहेगा। सेकेंड है असिस्टेंट केयर टेकर, जिसके लिए 4 सीट है, और जूनियर क्लर्क, जिसके लिए 19 सीट है। बाद बाकी ऑफिस अटेंडेंट और भी बहुत सारे पोस्ट है जिसके लिए इक्का दुक्का सीट है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करके इस पे पॉसिबल भी नहीं इतना सारा बताना और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगा पोस्ट वाइज। एएसओ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, एसीटी के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, डजंट मैटर कि आर्ट्स साइंस या कॉमर्स लिया था आपने, आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल रहोगे। जूनियर कलर के लिए सिंपली 10+2 पास आउट कैंडिडेट, जो भी 10+2 यानी कि जो इंटर पास कैंडिडेट है, सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। अब देखिए हम लोग जितना पोस्ट के ऊपर चर्चा करेंगे उसके लिए टोटल सीट आपका 73 रहेगा, देख सकते हो यहाँ पर आप। अप्लाई की जो डेट है 29 जनवरी 2024, मतलब कि आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी का वेट नहीं करना है। एक तो ऑनलाइन एग्जाम में जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो सर्वर इशू आती है, ऊपर से ये बिहार के लिए जॉब है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ जाता है। इसके लिए जब आपको पॉसिबल हो जितना जल्दी समय मिले फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर्म की फी की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे सभी से 600 रुपया आपको लिया जाएगा फॉर्म का फी। और एसजीएसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट, जो मतलब बिहार डोमिसाइल की फीमेल होंगी, उन सभी से 150 रुपीज लिया जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें कि एज की लिमिट आपकी कब से कैलकुलेट होगी, तो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023, मतलब 1 अगस्त 2023 के अनुसार मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष, मतलब 18 to 37 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट्स होंगे सभी इलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन की अगर बात करूं तो ओबीसी को मिलता है 3 ईयर्स का और एससीएसटी को मिल जाएगा 5 ईयर्स का। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, मींस कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। योर सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। देखिए पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम, प्री और मेंस की जो एग्जाम होगी वो आपको एएसओ और असिस्टेंट केयर टेकर के लिए प्री मेंस दिया, फिर डीवी होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जूनियर क्लर्क के लिए पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आई होप कि तीनों पोस्ट के लिए जो मैंने आपको समझाया आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो चलिए देखते हैं पहले कि एएसओ और असिस्टेंट केयर टेकर का प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे 400 मार्क्स के लिए। टाइम रहेगा 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का पेपर है और निगेटिव मार्किंग 1 है। यहाँ पर देख सकते हो पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग, अगर एक गलती किया तो 1 मार्क कट जाएगा।
अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 160 मार्क्स के लिए, साइंस एंड मैथ को कंबाइन करके 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, और यहां पर देखिए साइंस और मैथ दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन है, मतलब 15 क्वेश्चन साइंस से और 15 क्वेश्चन मैथ से होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप इसको क्वालिफाई करते हो प्रीलिम्स की एग्जाम को, उसके बाद क्या होता है मेंस का एग्जाम, मतलब जो मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए 10 गुना जो टोटल पोस्ट है ना उसका 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। प्रीलिम्स निकाला है उसको मेंस के लिए, और आपको मेंस का एग्जाम पैटर्न ना नोटिफिकेशन में कहीं पर भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। अगर इससे संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं जरूर मेंस का भी एग्जाम पैटर्न आपको बाद में बता दूंगी। अब देख लेते हैं हमारा जो सेकेंड पोस्ट है जूनियर क्लर्क, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, उसका भी 100 क्वेश्चन है 400 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, समय 2 घंटे का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1, मतलब एक गलती करोगे तो एक मार्क कट जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के लिए, साइंस और मैथ के 20 प्रश्न 80 नंबर के लिए, रीजनिंग के 30 प्रश्न 120 नंबर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है ना जनरल अवेयरनेस का, 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस है, 200 नंबर का है, तो ज्यादा फोकस करिएगा जनरल अवेयरनेस, जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऑल इंडिया का जो कुछ भी है, उसके अलावा बिहार स्पेशल जीके जरूर से पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पर आपने देख लिया साइंस और मैथ का 20 क्वेश्चन है, तो 10-10 क्वेश्चन दोनों ही टॉपिक से रहेगा, 10 क्वेश्चन साइंस का होगा 10 क्वेश्चन मैथ का होगा। और जब जूनियर क्लर्क के लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो इसमें जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे तो 10 गुना टोटल पोस्ट, जितना सीट है उसका 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं स्किल टेस्ट क्या है। देखिए इसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, हिंदी का टाइपिंग होगा 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, इंग्लिश का 35 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाई करोगे तो DV होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और पहले ही आपको क्लियर हो गया होगा कि बिहार विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी है, तो बिहार में सचिवालय में जॉब करना होगा। और सेकेंड चीज ये कि एग्जाम का जो सेंटर होगा ना, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको बिहार में आके एग्जाम देना हो, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन तो है नहीं कि कहीं पर भी सेंटर दे देगा, ऑफलाइन है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आपका जहां पर पड़ेगा बिहार में वहां आके एग्जाम देना होगा। चलिए अब समझ लेते हैं कि जब आप जॉब करोगे तो तीनों पोस्ट के लिए सैलरी क्या रहेगी, अलग अलग सैलरी है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला मेरा जो पोस्ट है ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये आपका सबसे बोलेंगे ना हाई पोस्ट है इन तीनों में, 44,900 रुपया से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, मतलब 45,000 से स्टार्टिंग है। और उसके बाद जब आपका सैलरी बढ़ता है हर साल तो 1,42,400, मतलब कि 1.5 लाख के अप्रोक्स आपका यहाँ पर सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट जाती है। सेकेंड पोस्ट है ACT असिस्टेंट केयर टेकर, इसके लिए 25,500 से स्टार्टिंग होगी और आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस 81,100 रुपीज सैलरी होगी। जूनियर क्लर्क के लिए 19,900 रुपीज से स्टार्टिंग होगी एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस 63,200 रुपीज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो आपको सैलरी नोट कराई है कि 1,42,400 के अप्रोक्स, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैम अपने मन से कुछ भी बोल दे रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि आप अपने घर से सैलरी दोगे क्या, अगर आपके मन में भी यह क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रही हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी, आप वहां से डाउनलोड करना, उसके फर्स्ट पेज पे आपको पोस्ट के साथ ही सैलरी भी बताई होगी, उसमें ऑफिशियली बताई गई है यही सैलरी जो मैंने आपको बताया। एंड आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल बताया है उसमें आपको कोई डाउट क्वेरी नहीं होंगी, और अगर है भी तो कमेंट करिएगा, मैं वहीं पर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज मेरे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों का आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए,
जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।